गाइस आज का अपना टॉपिक है रेक्टर शीट। और जो रेक्टर शीट जो है ये आपका यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम पूरा ये रेक्टर शीट का कंसेप्ट जानेंगे कि ये होती क्या है, देन इसके फीचर क्या है, क्या क्या इसकी बाउंड्री है और फिर इसके क्या कंटेन है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको लिख के आना है। तो सबसे पहले रेक्टर शीट बताने से पहले मैं आपको क्या एंटेरे एब्डोमिनल वॉल को फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि आपके एब्डोमिन में जो है कौन कौन सी मसल आपकी प्रेजेंट होती हैं। तो ये दिखाने के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ। तो क्या रहता है यार, एब्डोमिन में जो है तीन मसल रहती हैं, ये आपको पूरा एब्डोमिन का रीज़न है। उसमें सबसे पहले जो मसल आपकी होती हैं, सबसे पहले आपकी आएगी स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद कुल मिला के तीन मसल आपके एब्डोमिन की रीजन में रहती हैं। सबसे बाहर ये जो पूरी मसल है वो है आपका एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, देन इस एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के अंदर आपकी होती है इंटरनल ओब्लिक मसल। ये जो है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल में जब हम कट लगाएंगे ना तो आपको दिखेगा ये है इंटरनल ओब्लिक मसल। उसके अंदर आपकी रहती है इंटरनल ओब्लिक के अंदर है आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। तो कुल मिला के एब्डोमिन के रीजन में आपकी तीन मसल होती हैं। तो उसको लेयर वाइज अगर मैं दिखाऊं तो आपको ये वाला डायग्राम में क्लियरली लेयर में दिख रहा होगा। सबसे बाहर है आपकी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, देन फिर आपकी इंटरनल ओब्लिक मसल, फिर आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, उसके बाद आपकी एक फेशिया जिसको अपन बोलते हैं फेशिया ट्रांसवर्सलिस। तो ये जो है ये अपनी है तीनों की तीनों एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल की लेयर। तो क्या होता है ये जो एब्डोमिन की मसल जो होती हैं उसी मसल के बीच में क्या है एक और आपकी मसल प्रेजेंट रहती है, उसको अपन बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। अगर रेक्टा एब्डोमिनिस मसल के बारे में मैं क्या आपको 3D मॉडल दिखाता हूँ तो आपका अच्छे से इमेजिन हो जाएगा। एक्चुअली मैं जो बॉडी बिल्डर्स के जो पैक्स रहते हैं ना 6 पैक्स 8 पैक्स ये जो है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल के कारण ही आती है। तो मैं आपको इधर 3D डायग्राम में अगर दिखाऊँ तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या रहता है ये जो मसल है इसको अपन बोलेंगे एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, देन अगर मैं इसको हाइट करूँ आपको, देन फिर ये वाली जो है ये है इंटरनल ओब्लिक मसल, इसको भी हाइट करूँ तो आपको ये वाली एक मसल दिख रही होगी। इसको अगर मैं आपको दिखाऊँ पूरा लार्ज करवा के, इसको ही अपन बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। तो जो पूरे रेक्टस एब्डोमिनिस मसल जो है ये एक्चुअली में आपकी क्या इन तीनों मसल के बीच में आपकी होती हैं ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। तो एक्चुअली जो रेक्टस शीट जो है वो आपका क्या है ये जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को ये जो तीनों मसल कवर कर रही है ना उसी का अपन बोलते हैं रेक्टस शीट। तो एक्चुअली में क्या रहता है ये जो पूरी आपकी मसल होती है, देन मसल का जब इंसर्शन होता है तो वो आपकी बना लेती है टेंडन, और टेंडन के ही आगे वाले पार्ट को अपन बोलते हैं एपो न्यूरोसिस। तो इन तीनों मसल की ये जो वाइट से अगर आप देख पा रहे हो जो एपो न्यूरोटिक शीट जो होती है वो आपकी क्या कवर कर रही हैं, वो आपकी कवर कर रही हैं रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। तो ये जो रेक्टस शीट है वो क्या है, रेक्टस शीट आपकी एक एपो न्यूरोटिक शीट होती है जो कि आपकी कवर करती हैं रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को। तो रेक्टस शीट क्या होती है, रेक्टस शीट आपकी होती है एपो न्यूरोटिक कवरिंग जो कि आपकी कवर करती है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को, मतलब रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को। ये जो आपकी तीन मसल की जो एपो न्यूरोसिस है ये क्या कर रही है, कवर कर रही है। पूरी जो रेक्टस शीट जो होती है उसको अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो उसको समझाने के लिए मुझे तुम्हारी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल में हाइट करूँ, देन तुम मैं फिर क्लियरली ये वाली मसल दिख रही होगी, ये कौन सी है, ये अपने रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। तो इसमें क्या होता है कि जो कोस्टल मार्जिन है मैं आपको पेन से रख के बताता हूँ, ये कोस्टल मार्जिन के अपर में जो है इसका एक पार्ट हो जाता है, मतलब ये जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल जो है ना उसको अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये आपका जो कोस्टल मार्जिन है उसके अब हम अगर इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल जो है मैंने आपको दो लाइन के बीच में दिख रहा है ये अपना पार्ट ए, मतलब एक पार्ट इसका रहता है कोस्टल मार्जिन के अबव। ये वाली जो लाइन है ये एक्चुअली में आपके आर्क्यूड लाइन के लेवल पे रहती है। अब आप बोलोगे आर्क्यूड लाइन क्या है, तो एक्चुअली में क्या रहता है ये जो रेक्टस शीट जो है उसके पीछे वाले पोस्टीरियर वाले पार्ट में क्या है एक लाइन बन जाती है आपके लोअर वाले पार्ट में। अगर आप मैं ड्रॉ करूँ यहाँ से आप ब्लैक में देख पा रहे हो इसको अपन बोलते हैं आर्क्यूड लाइन। तो सिंपली ये क्या है ये अपनी है इलियक क्रस्ट, आर्क्यूड लाइन जो है ये अपने इलियक क्रस्ट के लेवल पे रहती है। तो इस रेक्टस एब्डोमिनिस मसल का एक पार्ट जो है वो है आपका कोस्टल मार्जिन के अबव, और दूसरा पार्ट जो होता है वो आपका कोस्टल मार्जिन से लेकर आपके ये जो आर्क्यूड लाइन है ना वहाँ तक आपका रहता है, वो है आपका बी पार्ट। देन आपका लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट हो जाता है वो आर्क्यूड लाइन के बिलो। तो ये होगा इसका पार्ट तीन। तो अपन ने क्या रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आपका हो गया अबव कोस्टल मार्जिन, दूसरा आपके कोस्टल मार्जिन से है आपका आर्क्यूड लाइन तक, देन थर्ड बिलो आर्क्यूड लाइन। तो अपन जो है ना इसी तीन पार्ट में जो है अपन पूरी रेक्टस शीट को अपन पढ़ते हैं कि इसकी क्या क्या कवरिंग होती है। तो अब आपको मैं फर्दर और उसको डिटेल में बताता हूँ। तो
तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि ये जो रेक्टस शीत है वो एक्चुअली में क्या होती है, वो आपकी एक एपिन्यूरेटिक शीत है जो कि आपके रेक्टस एब्डोमिनल मसल को कवर करती है। देन इसके दो पार्ट होते हैं, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर वॉल, मतलब कि जो रेक्टा एब्डोमिनल मसल जो है उसके कुछ एपिन्यूरेटिस उसके आगे होंगी तो अपन उसको बोलेंगे इंटीरियर, और कुछ मसल पीछे होंगी तो अपन उसको बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट। तो उसको समझाने के लिए क्या मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल एक 3D मॉडल बना दिया सारी मसल्स का, ताकि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अगर मैं आपको इससे समझाऊं तो ये क्या है, ये है अपना पूरा रेक्टस मसल, मैं इससे आपको रेक्टस मसल बता रहा हूँ। तो एक्चुअली में ये वाला जो मैंने पार्ट बनाया है ये है अपना पार्ट ए, मतलब कि कोस्टल मार्जिन के ऊपर। देन ये है अपना बी पार्ट जो कि कोस्टल मार्जिन से आर्क्यूएट लाइन तक रहता था, और ये पार्ट सी है, ये आपका है बिलो आर्क्यूएट लाइन। अब ये जो रेक्टस एब्डोमिनल मसल जो है वो कुछ इस तरीके से आपका सिचुएटेड होती है अपने जो एब्डोमिनल वॉल में। तो सबसे बाहर अगर आप देख पा रहे हो ये जो मसल है जो ब्राउन है, ये क्या है, ये है अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। देन एक्सटर्नल ओब्लिक के बाद क्या आता है, आपका आ रहा है इंटरनल ओब्लिक मसल, उसके बाद आपकी आ रही है ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, और सबसे पीछे होती है आपकी एक ये ग्रीन से, ये ग्रीन से मैंने आपको डिनोट करा है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। तो अगर तुम देखो अब ये जो पूरी जो है ये है इसकी इंटरनल वॉल, मतलब रेक्टस शीत के जो आगे मसल के एपिन्यूरोसिस होंगी वो होगी इसकी इंटरनल वॉल, और जो पीछे होगी वो इसकी होंगी पोस्टीरियर वॉल। तो अगर अब तुम इसमें देखो कि जो इसकी जो इंटीरियर वॉल जो है ये पूरी रेक्टस एब्डोमिनल मसल की, ये जो इंटीरियर वॉल जो है वो आपको क्या पूरी रेक्टस एब्डोमिनल मसल को पूरा कवर कर रही हैं, आपकी कोस्टल मार्जिन के ऊपर भी और आर्क्यूड लाइन के बिलो भी। लेकिन इसकी जो पोस्टीरियर पार्ट है जो इसकी पोस्टीरियर वॉल होती है, अगर आप इसके पोस्टीरियर वॉल देखो तो इसकी पोस्टीरियर वॉल क्या है, ये आपकी पूरी रेक्टस एब्डोमिनल मसल को पूरी तरीके से कवर नहीं कर रही है। अगर आप देखो ये क्या है अबव कोस्टल मार्जिन, तो अबव कोस्टल मार्जिन में आपकी पोस्टीरियर वॉल नहीं है और बिलो आर्क्यूड लाइन में भी नहीं है। तो ये जो है ना ये आपका मेजर डिफरेंस है आपका इंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल में। ये आपको याद करना पड़ेगा कि जो इंटीरियर वॉल जो है वो आपको कम्प्लीटली कवर कर रही है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को, वहीं पोस्टीरियर वॉल जो है वो इनकम्प्लीट होती है, मैंने आपको बताया अभी, वो आपका कम्प्लीटली कवर नहीं करती है। वो आपकी क्या अबव कोस्टल मार्जिन, ये जो कोस्टल मार्जिन के अबव डेफिशिएंट है, अबव कोस्टल मार्जिन एंड बिलो आर्क्यूड लाइन के नीचे ये डेफिशिएंट होती हैं। देन इसका जो फीचर में सेकंड पॉइंट क्या है कि जो कंपोजिशन जो होता है रेक्टस शीट का वो वेरिएबल होता है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि बोलना क्या चाह रहा है, ये पूरा क्या है अपना रेक्टस एब्डोमिनल मसल। इसमें अगर आप तुम देखो ये जो अबव कोस्टल मार्जिन के ऊपर इसके इंटीरियर वाले पार्ट में क्या आ रहा है, सिर्फ अपनी ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आ रही है ना, वहीं अगर आप उसके सेकंड पार्ट में देखो तो दो मसल आ रही हैं, एक एक्सटर्नल ओब्लिक भी आ रही है और एक इंटरनल ओब्लिक मसल भी आ रही है। लेकिन इसके थर्ड पार्ट में अगर आप देखो तो तीन मसल आ रही हैं, एक एक्सटर्नल ओब्लिक और एक इंटरनल ओब्लिक, और ये है आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। तो क्या है इसके तीनों पार्ट में जो है इसके लेयर के कंपोजिशन जो है वो वेरिएबल है। तो यहाँ पे इसके तीनों पार्ट में जो है इसके कंपोजिशन जो है वो वेरिएबल है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो इंटीरियर वॉल जो है एक्चुअली में इसका जो कंपोजिशन है वो आपका वेरिएबल होता है। सिमिलरली पोस्टीरियर वॉल में भी सेम है, इसका भी कंपोजिशन वेरिएबल है। देन ये जो इंटीरियर वॉल जो है ये आपको क्या मसल सिर्फ फ्रेमली अटैच होती है, एक्चुअली में क्या इससे कुछ टेंडन ऐसे ट्रांसवर्स में क्या है मसल तक पियर्स कर जाते हैं, जिसके कारण ये जो है आपकी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल से जो है अच्छे से आपकी अटैच होती है। वहीं पोस्टीरियर वॉल ऐसी बिल्कुल भी ऐसी अटैच नहीं है। तो इंटीरियर वॉल में ये भी लिखा है कि ये जो है आपकी फ्रेमली अटैच होती हैं आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल से। तो वहीं अब अपन आ जाते हैं इसके फॉर्मेशन पे, मतलब किसकी बाउंड्री देखते हैं। और यार मैं बताऊँ, मैं तुम्हें क्या जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया ना मॉडल, अगर मैं तुम्हें उससे सारी लेयर बता रहा हूँ ना तुम्हें अच्छे से इमेजिन हो पा रहा है, लेकिन अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता ना तो तुम्हें डायरेक्ट इतने अच्छे से इमेजिन नहीं हो पाता। और यार मैं अपर लिम लोअर लिम पहले वे थॉरेक्स में पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, उसमें भी मैंने आपको 3D मॉडल के साथ मैं बताता हूँ आपके लिए, मैंने उसमें मॉडल भी बनाए थे, उसके बाद मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। मैं मेरा बिल्कुल जितना बेस्ट हो सके ना मैं बेस्ट प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको अच्छे से आपको समझ में आए। तो यार अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ ना, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो यार तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुम्हें उसको शेयर और लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है, उसके अलावा तुम्हें मेन काम क्या करना है, उसको शेयर करना है। इस वीडियो की जो लिंक है ना वो तुम्हें अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर तुम्हें शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो है मेरी वीडियो जा पाए। और यार यही मेरा बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड हो जाता है कि तुम जो है इतना ज़्यादा शेयर करते हो मेरी वीडियोज़, लाइक करते हो, तो मेरे लिए बस इतना ही है, यही मेरा मोटिवेशन है
कि मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और मैं पूरा एनाटॉमी कवर करने वाला हूँ, तो तुम मेरी वीडियोस देखते रहो, मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं क्या पूरा एनाटॉमी आपको देखो फिंगर टिप्स पे करवा दूंगा, क्योंकि अपन का रटने वाला अपना काम नहीं है, अपन पूरा समझते हैं, कंसेप्ट बनाते हैं। तो अब अपन देखते हैं इसका फॉर्मेशन, कि जो रेक्टस शीट जो है किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो उसको अपन तीन पार्ट में देखेंगे भैया। पहला वाला आपका होता है अब कोस्टल मार्जिन। ये क्या है? कोस्टल मार्जिन के ऊपर किससे बन रहा है? देन बिटवीन कोस्टल मार्जिन, उसके बाद आर्क्यूड लाइन के नीचे। तो अपन इसको क्या है तीन पार्ट्स में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अब द कोस्टल मार्जिन। तो कोस्टल मार्जिन के लिए आपको दिखाने के लिए मैं आपको फिर से पूरी मसल रखता हूँ, देन अब आपको दिखेगा। तो अगर आप तुम यहाँ पर जाओ तो क्या है, ये जो इंटीरियर वॉल जो है ये आपकी रेक्टस मसल और इसकी इंटीरियर वॉल। तो इसके इंटीरियर वॉल में जो है सिर्फ एक ही मसल आ रही है, तुम खुद भी देख पा रहे हो, सिर्फ एक ही मसल की लेयर आ रही है, ये वाली। ये कौन सी है? ये है अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो कोस्टल मार्जिन के ऊपर इसकी इंटीरियर वॉल कौन बनाता है? आपका बनाता है अकेला एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपिनोरोसिस। वहीं पोस्टेरियर में अगर आप देखो तो पोस्टेरियर में तो कुछ भी नहीं है, पोस्टेरियर में तो कोई भी वॉल नहीं है। तो पोस्टेरियर में ये जो मसल जो रहती है वो एक्चुअली में जो है अपनी जो रिप्स रहती है ना कोस्टल मार्जिन 5, 6, 7, ये तीन रिप्स से जो है इसकी पोस्टेरियर वॉल आपकी बनती है, समझे आप। मैं इसको क्या तुम्हें ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो मैंने क्या तुम्हें तीनों पार्ट्स की ये क्या है रेक्टस एब्डोमिनस मसल शो में कर रहा हूँ। मतलब मैंने क्या करा, ये जो सुपीरियर व्यू होता है ना, मैंने यहाँ से मैं अब आपको ये दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट डायग्राम जो है ये आपका रेक्टस एब्डोमिनस मसल का डायग्राम है अब आप कोस्टल मार्जिन। तो इसके आगे, इस मसल के आगे क्या है, ये वाली एक मसल है, एक ही मसल है। कौन सी मसल है? ये है आपकी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, और उसके पीछे तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसके आगे अपन बनाते हैं, ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ ये है आपका एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, और इसके पीछे पोस्टर वॉल कौन बना रहा है? इस पोस्टर वॉल आपकी बना रही है 5, 6, 7 कोस्टो कार्टिलेज। मतलब ये जो आपकी रेक्टा एडोमिनल मसल जो होती हैं वो अपनी जो कोस्टा मतलब रेप जो कोस्टो कार्टिलेज पर जो है वो आपकी रेस्ट करती हैं। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सटर्नल ओपनिंग एपिनोरोसिस लिख भी देता हूँ। तो आपको क्लियरली अच्छे से इमेजिन हो गया होगा कि इसकी जो अब कोस्टल मार्जिन रेक्टस शीट कैसे फॉर्म होती है। वहीं अब अपन आ जाते हैं बीच वाले पार्ट में, कोस्टल मार्जिन और आर्क्यूड लाइन के बीच में। तो तुम क्लियरली देख पा रहे हो इसके इंटीरियर वॉल में तुम्हें दो लेयर्स अब दिख रही होंगी। ये है आपकी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, फिर वाइट से अपनी है इंटरनल ओब्लिक मसल, देन फिर आपकी डायरेक्ट आ जाती है आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो इंटरनल ओब्लिक मसल होती है ना ये आपकी खेल जाती है। इसको समझाने के लिए मैं अगर तुम्हें मसल हटाता हूँ 2 मिनट तो तुम्हें क्लियरली दिखेगा, ये जो पूरी मसल है ना ये आपकी है इंटरनल ओब्लिक मसल ही है। लेकिन वो क्या कर रही है, सिर्फ बीच वाले पार्ट में, तुम अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ बीच वाले पार्ट में ये क्या करती है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, एक इंटीरियर लैमिना और एक पोस्टीरियर लैमिना। तो कुछ इस तरीके से होता है इसमें कि क्या रहता है, ये जो है दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है और आपका रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कवर कर लेती हैं, इसकी इंटीरियर लैमिना आगे और पोस्टीरियर लैमिना पीछे, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले आपकी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, देन इंटरनल ओब्लिक का भी कौन सा, इंटीरियर लैमिना, उसके बाद मसल है, फिर इसकी पोस्टीरियर वॉल कौन बना रही है, तीन मसल। सबसे पहले ये क्या है, ये है इसका पोस्टीरियर लैमिना है इंटरनल ओब्लिक मसल का, देन ये आपकी है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। तो यहाँ पे ये लिखा है कि सबसे पहले इसके इंटीरियर में क्या होता है, इंटरनल में आपकी होगी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल और इंटरनल ओब्लिक की इंटीरियर लैमिना, वहीं पोस्टेरियर में आपका होता है पोस्टेरियर लैमिना, उसके बाद ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। उसको मैं तुम्हें ड्रॉ करके बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर से ब्लू से मैं क्या डोनेट कर रहा हूँ आपके लिए, सबसे बाहर है आपकी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, देन फिर मैं क्या तुम्हें ग्रीन से ड्रॉ करता हूँ इंटरनल ओब्लिक को। तो ये इंटरनल ओब्लिक है, और ये बीच वाले पार्ट में क्या कर रही है, इंटरनल ओब्लिक मसल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, एक इंटीरियर लैमिना और एक पोस्टीरियर लैमिना। तो ये इंटीरियर पोस्टीरियर लैमिना, और फिर ये वापस में यूनाइट हो गया। देन फिर इसके पीछे, इसके पीछे क्या था, इसके पीछे आपकी आ जाती है आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, देन ये भी बता देता हूँ मैं आपको ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। देन इसके सबसे लास्ट वाले पार्ट में जो है आपकी फेशिया होती है, जिसको हम बोलते हैं फेशिया ट्रांसवर्सलिस। अगर तुम यहाँ पर भी डायग्राम में भी देखा हो, ये तीनों मसल के बाद क्या है, ये फेशिया है ना, तो फेशिया ट्रांसवर्सलिस भी आपके सेकेंड पार्ट से आपकी होती है। एक्चुअली मुझे इंटरनल ओब्लिक मसल जो है
वो फर्स्ट पार्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि जो इंटरनल ओबलिक मसल का जो ओरिजिन इंसर्शन जो होता है वो आपका कोस्टल मार्जिन के बिलो होता है, उसके नीचे से शुरू होता है वो, इसलिए आपके जो है कोस्टेरियर, इसलिए वो आपके कोस्टल मार्जिन के अबव वाले पार्ट में जो है ये नहीं होती। तो ये आपका बीच वाला पार्ट के मैंने आपको सारी इसके बाउंड्री बताई। वहीं अपन आते हैं बिलो द आर्क्योड लाइन, ये लास्ट वाला पार्ट में। तो अब तुम देख पा रहे हो बिलो द आर्क्योड लाइन जो है उसकी जो है तीन लेयर हैं मसल की। एक एक्सटर्नल ओब्लिक तो भैया पूरे में है, देन इंटरनल ओब्लिक। लेकिन अब इंटरनल ओब्लिक जो है आपका स्प्लिट नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ दो पार्ट में जो है वो सिर्फ सेकंड वाले पार्ट में ही आपका स्प्लिट होकर बनाता है, बाकी लास्ट वाले पार्ट में सिंगल आपकी इंटरनल ओब्लिक मसल रहती है। उसके अलावा यहाँ पे जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल जो थी लास्ट वाली, तुम ये देख पा रहे हो यहाँ पे ये मसल जो है खेल जाती है, कुछ इस तरीके से हो जाती है। मतलब इसका जो ये वाला पार्ट है अवर पार्ट, ये तो पूरा पीछे ही है, पोस्टेरियर में ही है, लेकिन इसका लोअर वाला पार्ट क्या कहता है वो आपका इंटीरियर में आ जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से जो वो है यूं कुछ मसल है उस मसल के आगे आ जाता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलता है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक मसल, देन ये आपको देखेगी ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, देन फिर आपकी आती है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, देन उसके पीछे फिर कुछ भी नहीं होता पोस्टीरियर वॉल। तो यार तुम खुद बताओ, अगर मैं तुम्हें ये मॉडल से नहीं बताता तो तुम्हें क्या इमेजिन हो पाता, तुम्हें क्या ये अच्छे से इमेजिन नहीं हो पाता? क्योंकि यार मेरा क्या है, सिर्फ एक ही प्राइमरी गोल है कि तुम्हें क्या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या 3D में इमेजिन हो पाए। क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तो मैं जब यूट्यूब पर वीडियोज़ देख रहा था तो वहाँ पर लोग बात क्या कर देते हैं, 3D में नहीं समझा रहे, डायरेक्ट आए पेन पेपर लिया और लिखने लगे। तो यार इस तरीके से काम नहीं चलता है। अगर आप एनआर्ट में पढ़ रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3D में पढ़ो। आप मोबाइल में 3D ऐप डाउनलोड करो, बेस्ट ऐप होता है एटलस एनआर्ट में ऐप, उसको आप डाउनलोड करो और उसको परचेज करके डाउनलोड करो, आप उसी से ही पढ़ो जितना ज़्यादा 3D में देखोगे। और अगर आपको ऐप नहीं लेना, आप परचेस नहीं कर पा रहे हो, तो क्या मेरी आप वीडियो देखते रहो, मैं हर चीज़ 3D में बताता हूँ, पूरी अच्छे से मेहनत करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब अगर अपन मैं लास्ट वाले पार्ट को भी आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, तो इसके आगे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वही आपके एक्सटर्नल ओब्लिक मसल कैपेनोरोसिस, देन इंटरनल ओब्लिक मसल कैपेनोरोसिस, देन यहाँ पर कौन सी खेलती थी आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल भी आगे आ जाएगी, और पीछे आपका क्या बचेगा, सिर्फ आपका फेशिया ट्रांसवर्स एनस। तो तीनों के तीनों जो हैं कुछ इस तरीके से जो हैं ये आपकी तीनों फॉर्म होती हैं। वहीं अपन इसके लास्ट में कंटेन देखें कि रेक्टस शीट जो है जो मैंने अपन ने पूरी बनाई है ये, उसमें कंटेन क्या क्या होते हैं। तो एक्चुअली में इसके अंदर क्या है, कुछ मसल हैं, फिर वही आर्टरी है, वेन है, नर्व है, ये आपके कंटेन होते हैं। तो बड़ा इजीली है, कुछ खास इसके अंदर है नहीं। सबसे पहले रेक्टस शीट का मेन कंटेन क्या है, इसका मेन कंटेन आपका वही है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। मतलब शीट के अंदर क्या है आपकी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, उसके अलावा एक और मसल ये बोल रहा है, वो बोल रहा है पिरामिडालिस मसल। अब एक्चुअली में क्या होता है, ये जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल जो है उसके नीचे लोअर वाले पार्ट में ही एक और मसल रहती है, वो होती है पिरामिडालिस मसल। कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप डायरेक्ट इसका नाम याद कर लो कि इसके कंटेन में आप लिखना पहले मसल, एक रेक्टस एब्डोमिनिस मसल और एक पिरामिडालिस मसल, देन फिर होती हैं दो आर्टरी, एक सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और एक इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। जाहिर सी बात है सुपीरियर होगा तो इन्फीरियर भी होगा, तो सुपीरियर और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, जैसी आर्टरी वैसी ही वेन, सुपीरियर एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। अब यहाँ पे क्या एक और बीडी से फर्दर एक और लाइन लिखी थी, जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो होता है वो शीत में कैसे एंटर करता है, बिटवीन कोस्टल एंड जीफर प्रोसेस में। तो यहाँ पे इसमें क्या डायग्राम में बोन नहीं है, लेकिन एक्चुअली में क्या रहता है, अपन जानते हैं स्टर्नम की जो लास्ट वाली जो जीफर प्रोसेस रहती है और जो कोस्टल मार्जिन है, उन दोनों के बीच में से कुछ इस तरीके से वो जो आर्टरी जो है रेक्टस शीट में आपके एंटर करती हैं। वहीं इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है, जो आर्क्योइड लाइन है ना, ये आर्क्योइड लाइन के लेवल पर आपका रेक्टस शीट में आती है। देन जैसे आपकी आर्टरी आ रही है वैसे ही सिमिलरली वेन आती है। देन नर्व्स में क्या है, टर्मिनल पार्ट ऑफ लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व, मतलब कि जो लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व जो होती है ना वो आपका रेक्टस शीथ का कंटेन होता है। देन लास्ट में इसका फंक्शन क्या है, जो अपना जो फंक्शन जो रहता है रेक्टस शीथ क्यों है, क्या रेक्टस शीथ मेनली क्यों है, ये आपका मेनली मेंटेन करती हैं जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है ना उसको स्ट्रेंथ देने का ये काम आपकी करती है रेक्टस शीथ। तो मैंने आपको पूरा रेक्टस शीथ बताया, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ उसको यूनिवर्सिटी में आपको किस तरीके से लिख के आना है।
ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। क्योंकि क्या होता है, यूनिवर्सिटी में लिखने का भी एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके से लिखते हो ना तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। रैक्टर शीट जो है यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आ गया तो आप किस तरीके से लिखोगे। लेकिन यार इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका है इंग्वाइनल कैनाल, और इंग्वाइनल कैनाल अगली वीडियो जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर ही होने वाली है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ये मैंने आपको इसको भी बताने के लिए मैंने 3D मॉडल बनाया है इंग्वाइनल कैनाल का 3D मॉडल, और ये सिर्फ मेरे YouTube चैनल में ही आपको इस तरीके से, क्योंकि मेरी टीचिंग मेथड है, आपको ऐसी टीचिंग मेथड कहीं और नहीं मिलेगी। मैं आपको यूनिवर्सिटी के लिए नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, ये आप कोई भी YouTube चैनल पर जाओ वो आपको इस तरीके से वो नहीं बताएगा, और ऐसे मॉडल बनाएगा और 3D मॉडल में वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्योंकि क्या, मैं खुद फर्स्ट ईयर में रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि यार मुझे किस चीज़ की, मतलब मुझे जो है प्रॉब्लम हुई थी, मुझे मेरी 3D मॉडल्स की ही प्रॉब्लम हुई थी, मुझे इमेजिन नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैं ये नहीं चाहता है कि जो मेरे जूनियर जो हैं उनको कभी इस तरीके की प्रॉब्लम आए, इसलिए मैंने ये चैनल खोला ताकि आपके लिए मैं अच्छे से आपको पूरी एनाटॉमी फिंगर टेस्ट पर करवा सकूँ मैं। तो अगर यूनिवर्सिटी में आता है ना, तो जितना मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया ना, उसी नोट्स में आपको लिख के आना है। अगर आपको ये नोट्स की क्वालिटी अगर स्क्रीनशॉट में अच्छी नहीं आ रही है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, मैंने इंस्टाग्राम की लिंक आपको दे दूंगा। मैंने आपके लिए सेपरेट पेज भी बना दिया है इंस्टाग्राम पे, ताकि आप उसके HD के नोट्स भी ले सको। सबसे पहले अपन यूनिवर्सिटी में कैसे लिखते हैं, मैं आपको अपर लिम लोअर लिम बता चुका हूँ। अपन लिखते हैं मेनली हेडिंग में डाल के, पैराग्राफ में ना करके मेन अपन पॉइंट्स में लिखेंगे, ताकि आपको ज़्यादा नंबर मिले। तो पहले आप बीच में हेडिंग डालना, रैक्टर शीट, देन फिर आप इसके दो इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट लिखना, इसकी मेन डेफिनेशन। और क्या होता है यार, अपन को क्वांटिटी नहीं भरना, मेन होता है क्वालिटी। आप क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हो नहीं लिख रहे, एग्जामिनर यही देखता है, तो बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट लिखो। दो इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट लिखो, पहला आपको भाई इसका ये एपेनोटिक शीट है डेफिनेशन, देन फिर आप लिखना इसके फीचर, इंटीरियर वॉल के तीनों पॉइंट, पोस्टीरियर वॉल के दोनों पॉइंट, देन फिर फॉर्मेशन डालना। और जैसे सीक्वेंस में मैंने बताया ना, पहले हेडिंग डालना, अब कोस्टल मार्जिन, फिर उसमें भी इंटीरियर वॉल हेडिंग डाल के इसकी सारी मसल, पोस्टीरियर वॉल में मसल, फिर सिमिलरली आपको दोनों पार्ट में ऐसा करना है, इंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल को हेडिंग डाल के लिखना है। और यार हो सके ना, तुम कैसे लिखना है, इंटीरियर वॉल डालो फिर एक्सटर्नल डैश करके एक्सटर्नल ओब्लिक एपेनोरेसिस उसके नीचे लिखना, मैंने साइड में लिख दिया, लेकिन तुम उसके नीचे लिखना ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, इंटीरियर एपेनोरेसिस ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल, ऐसे लिखोगे ना ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। फिर लास्ट एंड में आप लिखो कंटेन, कंटेन लिख देना, फिर आप फंक्शन लिख देना। उसके बाद आप जो है ये एक डायग्राम अच्छे से बना के आना, यार मैंने यहाँ पे लेबल नहीं कर पाया, लेकिन आप अच्छे से लेबल करके बनाना कि अब कोस्टल मार्जिन का है, ये बिटवीन का है, ये बिलो आर्क्यूट लाइन का है, तो सारी मसल के आप पूरे शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना, पूरा पूरा लिख के आना, ये एक डायग्राम बनाना। और एक 5 नंबर के शॉर्ट नोट के लिए यार इतना लिखना बहुत ज़्यादा सफिशियंट हो जाएगा, आप पूरा अच्छे से ये लिख पाओगे। तो अगर तुम्हारी ये मेरी वीडियो से हेल्प हुई हो, तो इस वीडियो को करना तुम लाइक, मेरे चैनल को तुम यार कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं पूरा का पूरा लाने वाला हूँ, इसमें सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर मैं डेली वीडियोस डालता हूँ यार, इसलिए बोल रहा हूँ मेरे साथ बने रहो। नेक्स्ट वीडियो कल ही आने वाली है इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।